राधे राधे मित्रों, साल 2020 कैसा रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए, यही जानकारी हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मीन राशि वालों के लिए साल 2020 एक ऐसा जिंदगी का पड़ाव जहाँ बहुत सोच समझकर चलने की आपको जरूरत है। साल की शुरुआत से ही राहु का सुख भाव में गोचर करने से मानसिक तनाव रहेगा। माता के साथ अनबन हो सकती है और माता के साथ होने वाले मतभेद से दूर ही रहें तो बेहतर होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, नहीं तो रिश्ते और दोस्तों से दूरी हो जाएगी। घर से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय सितंबर तक बिल्कुल ना लें। कार्य की वजह से घर से दूर जाकर भी रहना शुरू हो सकता है। जमीन से जुड़ा कार्य करने वालों के लिए समय कुछ भ्रम से भरा होगा। मई माह से सितंबर तक शनि और गुरु दोनों के वक्री होने से कार्य में बदलाव आ सकता है। इस समय काम में बदलाव बिल्कुल ना करें और ना ही किसी नए काम की शुरुआत करें। कार्य को लेकर यात्राएं होती रहेंगी जिसकी वजह से भी खर्चों के साथ तनाव बना रहेगा। आपकी मेहनत अधिक होगी और परिणाम मिलने में देरी होगी। धार्मिक यात्राएं बनी रहेंगी जिसमें आपको मानसिक सुकून भी मिलेगा। जो लोग किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को अपने प्रतियोगी से संभल कर रहने की जरूरत होगी। पढ़ाई में भी किसी से वाद विवाद के कारण मन कम लगेगा और ध्यान भटकेगा। अगस्त के बाद अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखिए। किसी कारण से कमजोरी के कारण सही से काम आप नहीं कर पाएंगे। सितंबर के बाद किसी प्रतियोगिता में आपको पुरस्कार के लिए चुना जा सकता है जहां आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। साल के अंत में गुरु गोचर के कारण कार्य को लेकर संतुष्टि मिलेगी और जोश के साथ आप अपने सभी काम समय पर कर पाएंगे। इस साल कोई भी नए अवसर को अपने हाथ से जाने बिल्कुल ना दें। तो चलिए अब शुरू करते हैं मीन राशि के करियर का ग्राफ कैसा रहेगा साल 2020 में। दोस्तों, करियर के दृष्टिकोण से हम अगर देखें तो मीन राशि वालों के काम में इस साल स्थिरता नहीं होगी। उतार चढ़ाव बना रहेगा क्योंकि शनि और गुरु के गोचर के कारण कार्य में उतार चढ़ाव की वजह से काम में बदलाव भी हो सकता है। आपसी साझेदारी में भी काम करने से पहले अच्छे से आप तालमेल बिठाने के बाद ही काम करने का निर्णय लें। कार्य के अधिक दबाव के कारण बहुत व्यस्तता बनी रहेगी और मानसिक रूप से भी तनाव बना रहेगा। अप्रैल के बाद व्यापार बहुत ही सावधानी से करने की जरूरत है। जो भी निर्णय लें बहुत सावधानी से लें। किसी तरह का नुकसान या काम में देरी हो तो सब्र से काम लें, जोश में आकर बिल्कुल नहीं। किसी नए प्रोजेक्ट में आपके जो कलीग्स हैं उनके कारण से आपको नुकसान हो सकता है। पहले ही समझदारी से काम लें और कुछ परेशानी होती भी है तो अपने किसी इम्पोर्टेंट काम को छूटने ना दें। व्यापार से जुड़ी देश विदेश की यात्राएं होती रहेंगी जो अधिक लाभकारी नहीं होंगी। अध्यापन, मनोरंजन का काम, कंसल्टेंसी, फूड और टूर्स एंड ट्रेवल से जुड़े हुए लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा। नौकरी के क्षेत्र में मेहनत करने वालों को ये साल तरक्की का मार्ग दिखाएगा। नई नौकरी के लिए मार्च तक का समय ही उत्तम है। इस समय में बॉस सीनियर्स आपका साथ देंगे और आपको भी मेहनत से काम करना है, तभी आप प्रमोशन की उम्मीद रखिए। मई से समय थोड़ा सा नाजुक होगा आपके लिए। आपकी जरा सी लापरवाही से आपकी नौकरी जा भी सकती है। साल के मध्य में काम को लेकर के प्रेशर बना रहेगा। आपको नया प्रोजेक्ट के लिए भी चुना जा सकता है जिसमें आपके सीनियर्स आप पर पूरी नजर रखेंगे। अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलें जो आपकी पूरी मदद करेंगे। अक्टूबर से हालात कुछ बेहतर होने लगेंगे, तभी आपका प्रमोशन भी हो सकता है और नई नौकरी की तलाश भी इस समय पूरी हो सकती है। अब हम देखते हैं मीन राशि वालों का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा होगा साल 2020 में। दोस्तों, आर्थिक स्थिति सामान्य रहने वाली है। व्यर्थ के खर्चे इस साल कम होंगे जिससे इस समय आपकी कोशिश धन इन्वेस्टमेंट के ऊपर ही रहेगी। साल की शुरुआत में आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय आपको अपने धन को जोड़ कर रखना होगा जो साल भर आपकी मदद करता रहे। छोटे स्तर पर कार्य कर रहे लोगों को कहीं से अचानक फायदा होने से लाभ मिलेगा और वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। धार्मिक यात्रा पर धन खर्च होगा और समाज सेवा पर भी धन लगेगा।
इस साल जमीन से जुड़े कार्य करने वालों के लिए समय कुछ सतर्कता से काम करने का है। जमीन में या प्रॉपर्टी में किया हुआ इन्वेस्टमेंट किसी लापरवाही से नुकसान में बदल सकता है। साल के मध्य में शेयर मार्केट से भी आपको लाभ हो सकता है और कोई पुराना इन्वेस्टमेंट भी आपका वापस आ सकता है। पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा। आपको कार्य के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी तो आपके माता पिता आपको पूरा सहयोग देंगे। विद्यार्थियों के ऊपर भी धन खर्च होगा। उनका किसी अच्छे विद्यालय में दाखिला होने से धन खर्च ये होने वाला है। कर्ज या लेन देन के समय आप बहुत ही सोच समझ करके कदम उठाइए। किसी की बातों में आकर उसे धन बिल्कुल उधार नहीं दीजिए, नहीं तो आपको धोखा मिल सकता है। साल के अंत में धन को लेकर सब सामान्य बना रहेगा और कहीं से अचानक धन लाभ की उम्मीद भी बनी हुई है तो धन की दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए साल 2020। अब हम देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या लेकर आ रहा है ये साल मीन राशि वालों के लिए। दोस्तों, जो लोग शिक्षा में कुछ नया करने का सोच रहे हैं, जिससे आपकी मेहनत और लगन आपको सफलता की ऊंचाइयों तक जरूर लेकर जाएगी। आपके सितारे भी इस वर्ष आपको पूरा सहयोग करेंगे और कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मार्च का समय बहुत अच्छा रहने वाला है, जिससे आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा और पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। बस आपको कड़ी मेहनत के साथ अपने आलस को दूर रखना है। इस वर्ष इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मा, होटल और डिजाइनिंग के विषय से जुड़े हुए विद्यार्थियों को सफलता हासिल होगी और शिक्षा से जुड़े कर्ज भी आसानी से मिल जाएंगे। जो बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको क्षेत्र में भी उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उनको कामयाबी मिल पाएगी। जून से सितंबर के मध्य अपने सेहत का पूरा ध्यान रखिए और दोस्तों के साथ कम समय बिताइए। विद्यालय या कॉलेज की तरफ से भी कहीं घूमने जाने का प्लान आपका इस दौरान बन सकता है, जिसमें शिक्षा के तनाव में आपको राहत मिलेगी। किसी भी विषय में परेशानी आए तो अपने सीनियर्स और प्रोफेसर से मदद जरूर लें। अब हम देखते हैं मीन राशि वालों का साल 2020 में पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है। दोस्तों, पारिवारिक जीवन में इस साल वैसे तो तालमेल बना रहेगा, बस बीच में जरा सी गलतफहमी के कारण कुछ तनाव हो सकता है, पर वो भी कुछ समय के लिए ही रहेगा। आपको अपने गुस्से पर काबू पाना होगा, जिससे परिवार वालों के साथ आपका सहयोग हमेशा बना रहे। घर में धार्मिक उत्सव होने से एक दूसरे को समझने का आपको मौका मिलेगा और जून के महीने से आपको किसी काम में कामयाबी मिलने से आप अपने पूरे परिवार को एकत्रित करेंगे और बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपसे रिश्ते आपके मजबूत होंगे। विदेश यात्रा का भी आप सब इस साल प्लान कर सकते हैं और अगस्त से किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ भी पार्टी का या कोई बहुत बड़ा आयोजन होने से आप व्यस्त रहेंगे। इस साल माता पिता के साथ धार्मिक यात्रा की योजना भी आपकी पूरी होगी और माता पिता के सहयोग से कोई पुराना कोर्ट केस खत्म होगा। घर में किसी परिवार के सदस्य की सेहत खराब होने से आप उनके साथ शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से खड़े रहेंगे। घर में अचानक किसी खर्चों के होने से आपसी विवाद हो सकता है, पर आप अपनी सूझबूझ से मामले को सुलझा लेंगे। जमीन से जुड़ा कोई विवाद परिवार में था तो वो भी साल के अंत में खत्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं मीन राशि वालों का कैसा होगा वैवाहिक जीवन और संतान पक्ष। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में आपसे रिश्ते मधुर बने रहेंगे, जिससे आप एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे। इस वर्ष आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं या आप दोनों एक साथ कहीं नौकरी भी शुरू कर सकते हैं। मई के महीने में आपसे रिश्ते को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है, जिस वजह से कुछ समय के लिए दूरी भी बन सकती है। आपको इस समय बहुत सब्र से काम लेना होगा, तभी गृहस्थ की गाड़ी सुचारू रूप से चल सकेगी। हालांकि परिस्थितियों में बहुत जल्दी सुधार होगा। अक्टूबर के बाद हालात खुद ही संभल जाएंगे और साल के अंत में आप बच्चों के साथ कहीं दूर यात्रा के लिए भी जा सकते हैं। जिस समय आपसी समय मनोरंजन से भरा हुआ बीतेगा और बच्चों के साथ सामंजस्य बनाकर रखने की जरूरत होगी। साल की शुरुआत में किसी गलतफहमी के कारण आपसी तनाव हो सकता है।
आपके बच्चे आपसे दूर जा सकते हैं, वह आपसे अपने दिल की बात करें, इसके लिए आपको उनको अपना समय देना होगा। साल के मध्य में बच्चों को स्कूल या कॉलेज में कोई पुरस्कार या प्रशंसा मिलने से आपको खुशी होगी और आपको उनकी तारीफ भी करनी होगी। अगस्त में बच्चों की सेहत कुछ कमजोर हो सकती है, जिस कारण से वो सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। साल के अंत में बाहर पढ़ने जाने का विचार बन सकता है, या अगर पहले से बना है तो वो कामयाब हो जाएगा। अब हम देखते हैं मीन राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है साल 2020 में। दोस्तों, साल की शुरुआत में ही आपकी जो सिचुएशन होगी वो बहुत ज्यादा डाउटफुल रहने वाली है, यानी कि भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। जरा सी गलतफहमी के कारण आपस में तनाव बना रहेगा और मार्च के बाद स्थिति कुछ अनुकूल होगी, तब जाकर आप दोनों को अपने प्रेम का एहसास होगा। यात्रा के दौरान कोई नया साथी आपके जीवन में दस्तक दे सकता है, जिस वजह से आप कुछ समय के लिए उनके अधिक करीब आ सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा, ये रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, आपको उनके लिए अधिक भावुक नहीं होना चाहिए। वो साथी जिस तरह आएगा उसी तरह चला जाएगा। आप दोनों की नजदीकियां आपके परिवार को भी पसंद नहीं आएंगी, इसलिए कोई भी कदम नहीं उठाइए ऐसा जिससे बाद में आप मुश्किल में पड़ जाइए। अगर किसी से प्रेम करते हैं तो उससे अपने प्रेम का इजहार भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी किसी महिला मित्र का सहारा लेकर के उनसे बात करें, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। आप जिससे प्रेम करते हैं इस वर्ष उनको किसी कारणवश धन की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको आगे बढ़कर उनकी मदद करनी चाहिए और उनका भावनात्मक रूप से भी साथ देना चाहिए। साल के अंत में आपका प्रेम विवाह हो सकता है और इससे पहले आप दोनों को अपने आप को इस काबिल बनाना होगा ताकि परिवार वाले भी आपका साथ दे सकें। तो अब देखते हैं मीन राशि का साल 2020 में कैसा रहने वाला है स्वास्थ्य। दोस्तों, सेहत के हिसाब से अधिकतर समय साल 2020 का अच्छा रहेगा। जुकाम और खांसी की परेशानी हो सकती है और मौसम के बदलने पर संभल कर रहने और खान पान का ध्यान देने की जरूरत है। मार्च के बाद कोई बीमारी आपके दस्तक दे सकती है या अचानक किसी तरह का दर्द उठ सकता है। आपको किसी तरह की लापरवाही नहीं करनी है और समय रहते अपना इलाज करवा लेना है। अगर पिछले समय से सिर में कोई दर्द या तकलीफ थी तो इस साल कोई लापरवाही बिल्कुल ना करें, समय रहते सारे चेकअप करवा लीजिए और त्वचा से जुड़ी कोई परेशानी भी आपको इस साल हो सकती है। साल के अंत में आप खुद को बहुत फ्रेश महसूस करेंगे और सारे काम आगे बढ़कर खुद पूरा करेंगे। मीन राशि वालों को घूमने का बहुत शौक होता है, वो एक जगह टिककर अधिक देर तक नहीं बैठ सकते, इनको जल यात्रा में घूमने का बहुत मन करता है। अधिक देर तक सुकून भी आपको इस यात्रा में मिलेगी, परंतु इस अक्टूबर से आपको आराम की भी आवश्यकता होगी। आपको वायुयान की यात्रा कम से कम करनी चाहिए और इस वर्ष कार्य को लेकर के देश विदेश की यात्रा बनी रहेगी, जिसमें आपको बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो ये था साल 2020 का प्रेडिक्शन मीन राशि के लिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।